नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। और मैं हूँ राजवीर, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सावन के सेकंड लास्ट समारी है और अभी मैं जा रहा हूँ जल अर्पित करने भगवान शिव को और एक ऐसे जिसको श्रृंगी ऋषि आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, उस आश्रम में आपको ले जाऊंगा, वहां पे घुमाऊंगा, वहां का दृश्य दिखाऊंगा। ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ वहां पर आए हुए थे जब उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रहा था, तो और श्रृंगी ऋषि वहीं रहते थे, उन्हीं से कुछ खाने पीने के लिए लेकर गया है। और उसके सामने एक पोखर है, वहाँ पे ये लोग डुबकी लगाए थे, तो वो सारा दृश्य मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ एक पवित्र जगह पर, पवित्र स्थान पर, जहाँ मैं लंबे समय से पूजा पाठ करते आ रहा हूँ और एक अलग सा लगाव है मेरा, जिसे हम लोग जंगली महादेव के नाम से भी जानते हैं। तो आज उस जगह से आपको रूबरू करवाऊंगा, दिखाऊंगा कि क्या कितना सुंदर लगता है वो मंदिर और अलग ही एक एनर्जी है उस मंदिर का। तो चलिए देर न करते हुए निकलते हैं हम लोग मंदिर की तरफ। तो मैं मंदिर के लिए घर से निकल गया हूँ और मैं बात कर रहा था एक पोखर की, तो वो यही पोखर है जिसमें राजा दशरथ आए, भगवान राम आए और यहाँ से डुबकी लगाकर जल उठाकर जंगलिया महादेव, जिस मंदिर पर मैं आप सभी को ले जा रहा हूँ दर्शन करवाने, वहाँ पर जल अर्पित किया था भगवान शिव को, जो श्रृंगी ऋषि द्वार भी है, तो वहीं मैं ले जा रहा हूँ। ये पोखर है, बहुत बड़ी पोखर है, लगभग 22 बीघा की ये पोखर है और ये भगवान महावीर का एक स्टैचू भी स्थापित कर रखा है लोगों ने। तो चलते हैं अपने मंदिर की तरफ। ये हरा भरा गाँव का दृश्य है, ये देखिए। तो भाई साहब, मैं मंदिर पे पहुंच चुका हूं और ये है मंदिर का मुख्य द्वार। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये अभी हाल फिलहाल में ही लगाया गया है और एक बड़ा नेक दिल इंसान है जिनका नाम है पंचम सिंह, इन्हीं के माध्यम से ये गेट लगाया गया है। तो हम तमाम ग्रामवासियों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे इंसान का होना हमारे समाज में बेहद ही ज़रूरी है, जो इतने बेहतर समाज के लिए सोच रहे हैं और इतना नेक कार्य कर रहे हैं जो हमारे नेता नहीं कर पा रहे हैं। मैं हूं इस जंगलिया महादेव मंदिर पर, इसे श्रृंगी ऋषि द्वार भी कहा जाता है और इसे श्रृंगी ऋषि के नाम से भी ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और ये हमारे यहाँ का पर्यटक स्थल है, जहाँ पे दूर दूर के व्रती लोग, भगवान शिव के जो भक्त हैं, वो आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और आज इसी मंदिर पर हूँ, इस ऐतिहासिक मंदिर पर। तो आज मैं यहाँ का ये सुंदर नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि सेकंड लास्ट जो है ना सुमारी है। तो आइए देखिए इस मंदिर का नज़ारा। अब मुख्य द्वार से अंदर हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। और ये हवन कुंड है और भगवान शिव के जितने भी भक्त हैं धीरे धीरे मंदिर पर आ रहे हैं लोग, धीरे धीरे भीड़ अभी तो बढ़ेगी, गाने बाने डीजे आएंगे। ये है मंदिर के प्रांगण, भक्तों की काफ़ी अभी तो बहुत कम भीड़ है, क्योंकि धूप आ गई है और ये छोटे छोटे दुकान लगा रखे हैं लोगों ने। ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है और यहाँ पर भगवान विष्णु और गणेश की दो मूर्ति है, यहीं पे लोग जल अर्पित करते हैं और मंदिर के बाहर शिवलिंग है। तुमने कहा और देखो शुरू हो गया, तुमने कहा और शुरू हो गया भक्तजनों। शिव के सबसे बड़े भक्त दो जन। अब मैं आपको अरुण भाई से मिलवाने ले जा रहा हूँ, ये मेरा मित्र भी है और मंदिर का सेवक भी है, काफी सालों से मंदिर की सेवा कर रहा है अरुण भाई। बिजली का जितना भी काम होता है मंदिर पर यही करता है और आज तक करते आ रहा है भाई ये। और ये छोटे मोटे दुकान लगा रखा है लोगों ने, बच्चों के खिलौने के, घंटियाँ है, बहुत सारे चीज़ बेच रहे हैं, सिंदूर बेच रहे हैं, पूजन के सामान भी बेच रहे हैं लोग। तो दोस्तों, मैं अभी आ गया हूँ छत पर और लक्ष्मी गणेश की आपको पेंटिंग भी दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और मंदिर के छत पर से मैं आपको मंदिर के प्रांगण और ये जो अपने गांव के दृश्य दिखा रहा हूँ, बिल्कुल लगता है कि एकदम सुदूर गांव है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत आपको लग रही है ना देखने में, चारों तरफ हरियाली हरियाली हरियाली। और ये मंदिर में भक्तजन
ऊपर से देखने का बात ही कुछ और है। और गांव तो मतलब क्या ही खूबसूरत लग रहा है सावन के महीना में, देखो तो सही। ये अरुण है, बिजली का भी काम कर रहा है, बना रहा है। भाई भाई का बड़ा योगदान है यार मंदिर में, हमेशा रहता है। जो भी जब भी मंदिर में कुछ ऐसी ख़राब होती है बिजली से बल्ब से संबंधित, तो यही बनाता है यार। लोगों की भीड़ जो है काफ़ी अब बढ़ रही है, क्योंकि समय अब लोग घर से निकल रहे हैं, मंदिर के प्रांगण में पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं कि ये मंदिर काफ़ी ऐतिहासिक है, काफ़ी ही ऐतिहासिक है। यहाँ पे भगवान दशरथ आए थे अपने पुत्री के प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये श्रृंगी ऋषि आश्रम है, तो श्रृंगी ऋषि का द्वार यहीं था, रहते थे लोग, तो आए थे उनसे मिलने के लिए, और कुछ उन्होंने प्रसाद दिया था फिर ले गए ऐसा माना जाता है, और अपनी पत्नी को खिलाया तब जाकर राम की प्राप्ति हुई। और मंदिर भी है हमारे यहाँ, एक श्रृंगी ऋषि द्वार भी है जिसे दोस्त नगर के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी दर्शकों से मैं चाहूँगा कि जब भी समय मिले यहाँ घूमने आइए, इस पर्यटक स्थल पर आइए घूमने, आप सभी का स्वागत है। ये मेरे गाँव में है। ये कुछ वीडियो जो मैंने मोबाइल में अभी दिखा रहा हूँ आपको, जो कि काफ़ी खूबसूरत ये हमारे प्यारे मंदिर है जंगली महादेव श्रृंगी ऋषि आश्रम का है। और ये मैंने कुछ दिन पूर्व 15 अगस्त को मैंने अपने मोबाइल में कुछ वीडियो कैप्चर किया है। ये आप देख रहे हैं मंदिर के इस पार बड़ा सा गार्डन है। हमारे यहाँ एक साधु आए थे जो अब चले गए हैं, पता नहीं शिव के रूप में आए थे, जो मंदिर का बहुत डेवलप किया, बहुत विकास किया और बनाकर मंदिर छोड़कर चले गए। तो उनके कारण ही आज ये मंदिर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। आप देखिए ये हनुमान चालीसा दीवारों पर अंकित है, गांव के लोग यहाँ बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं और एक अलग सा इन्वायरमेंट बना रहता है। इसका प्रांगण देखिए बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। और आज 15 अगस्त का दिन था, तो 15 अगस्त के दिन है तो इसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं, मिठाई वगैरह लाकर। हर साल हम लोग यहाँ मिठाई लाते हैं और यहाँ के जो लोकल है जो यहाँ पर रहते हैं उनको बांटते हैं। अब हम ये मंदिर के अंदर की जो है चारों तरफ घूमकर आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। दीवार पर फोटो बनाया गया है भगवान का, ओम नमः शिवाय, और कई सारे मंत्र अंकित किया गया है। तो देखिए मतलब क्या ही खूबसूरत है ये मंदिर के अंदर भी, अंदर का दृश्य तो मैंने दिखाया ही है, तो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मतलब लाजवाब। आप मैं कहूँगा कि आप जब भी समय मिले दोस्त आइए, कभी ज़्यादा दूर नहीं है, पटना से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गाँव है। और इस आश्रम में आप अवश्य एक बार आइए, ऐसा माना जाता है कि आप यहाँ पर आकर जो भी मांगते हैं आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण जल्दी होती है। तो हम लोग यहाँ बैठ के तैयारी कर रहे हैं 15 अगस्त के झंडा तोलन के। ये मैंने बताया है कि बहुत पहले की वीडियो है, तो बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं काम कर रहे हैं, और हम लोग सब चीज़ कर चुके हैं, झंडा तोलन कर चुके हैं। और इस तरह से कुछ होता है हमारा झंडा तोलन। देखिए झंडा हमारा आसमान में तिरंगा फहरा रहा है। गाँव के ये जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे चाचा ताऊ जितने भी लोग हैं, जलेबी खा रहे हैं, जलेबी बांट चुका है। रामायण जी हमारे यहाँ एक बेहद उम्दा कलाकार है और इस तरह के सामाजिक कार्य में बहुत ही इन्वॉल्व रहते हैं। पीछे का स्कूल का दृश्य देखिए बहुत ही खूबसूरत है। तो अरुण देखिए रामायण भाई, इन्हीं के बारे में आपको बता रहा था। हर बार आगे आकर रामायण नागेंद्र या जो भी हमारे वहाँ मंदिर के सदस्य हैं, लोग आते हैं और आगे बढ़ चढ़ के इन सारे सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं लोग। और हर साल हम लोग यहाँ से झंडा तोलन के बाद मिठाई बांटते हैं बच्चों में, तो बहुत सबसे ज़्यादा ये वाला पिक्चर फेमस है अपना, सब लोग आता है यहीं पे पिक्चर अपना खिंचवाता है। ये वाला शिव जी की पिक्चर सबसे ज़्यादा फेमस है। चश्मा पहन ले तो सही हो, तो आई फ्लू वाली सबकी आँख आ जाए। तो ये है हमारे मंदिर के प्रांगण है, ये स्कूल है हमारे मंदिर के पीछे, और अभी मैं हूँ मंदिर के छत पर। और अरुण जो है शायद बिजली ख़राब हो गई है, बिजली बना रहा है, और यहाँ से मैं अपने गांव का भी दृश्य दिखा रहा हूँ। आए अरुण गेट पंचम चलगवा है ना, ये वाला गेट पंचम चलगवा है ना।
चलिए बहुत बढ़िया एक काम किए हैं, जो काम हमारे एक बार कोई गेट में बने वाला है। कौन बना रहे वो टुनटुन भाई कौन है? अरे क्या बात, ये लोग पुणे आके काम करे तो शायद ये वाला घंटवा भी वही दे ले थे ना। कौन दे? देखिए ये लोग कितना बढ़िया। सबके हो गया? सबके हो गया यार, देख ऊपर घरे अच्छे हैं। फोन करके अपने घर के लिए निकल गया हूँ और अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। और जब भी आपको समय मिले आप आइए, इस मंदिर का दर्शन कीजिए। तब तक लव यू, बाय बाय।